इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए। जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पर जरूर है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें, जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। आपको बता दें तो आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना आते हैं। पटना आने के दौरान जब उनसे सवाल किया जाता है कि जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है उनका, और साथ ही साथ गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर अभी तक एनडीए में जो कह सकते हैं विवादों का जो जंग है वो अभी तक बरकरार है। एक और गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर, तो वही इमामगंज की सीट को लेकर जो परिवार में विवाद देखने को मिल रहा था जीतन राम मांझी के परिवार में, उसके बाद अरुण भारती का एक पोस्ट आता है जिसमें साफ तौर पर वो जीतन राम मांझी को आड़े हाथों लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। सर बीच में आ जाइए, कश्मीर में सरकार बनने के बाद से दूसरी आतंकी हमले हुई है, सर कैसे देखते हैं? देखिए 70 की बात करते हुए उमर अब्दुल्ला क्या उसका रिएक्शन है? ये अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नजर इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी, और पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। हरियाणा में सर आप रिजर्वेशन के रिजर्वेशन में रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए से। देखिए भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं, पर जहाँ तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है, हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात। मुझे लगता है जाति की नहीं जमात की बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के अनुसूचित जाति के उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में, वहाँ पे तनाव व्याप्त है, क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व है कार्रवाई उस पे जरूर है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, साथ ही साथ हम आपको बताएं तो जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसको लेकर भी चिराग पासवान ने बातें कही, साथ ही साथ अभी से ही जो कह सकते हैं कि सियासत गर्म दिखाई दे रही है क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव, उधर चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातें कही। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।